मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह नहा लिया है और सबका आज मतलब शालना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लास्ट दो चार दिन से जो हुआ था हमारा हालत, तो अभी सुबह सुबह नहा लेने से बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है, यहाँ पर कुछ सुनाई भी नहीं देता शायद। और कोलकाता का जो वेदर है उस वेदर के हिसाब से भी अगर जल्दी जल्दी अगर सुबह सुबह आप नहा ले तो ना उसके बाद एनर्जी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड वेदर है तो स्वेट बहुत आता है। तो जो भी हो, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं की, जस्ट नहा धो के आए हैं, थोड़ा सा ड्राई हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत लोग सब लोग बोल रहे थे उस घर के लिए। तो इस घर में थोड़ा सा रूम थोड़ा दे दे, ये रूम जो है ये हमारा बेडरूम है, पर बहुत ज़्यादा डर्टी है। इसमें प्लीज़ कुछ भी अपने माइंड में मत रखना कि सोमली ऐसे करके रखा है, क्योंकि वार्डरोब अभी भी डर्टी है। वार्डरोब मुझे अभी गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा, फिर जाके सारे कपड़े वहाँ पे उठाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आने के बाद हम कपड़े वपड़े स्टोर करना तो दूर की बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान दे रहे थे क्या क्या घर में ख़राब है, सारे के सारे चीज़ें ही खराब है। चलो अगर शावर की बाथरूम की बात करते तो शावर खराब है, नल खराब है, फिर कोमोड का जो हैंड शावर है वो ख़राब है। तो ये सब चीज़ों में लोगों को बुला के उसको रिपेयर करना, वरना हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसमें बिजी थे तो खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और सच बोलूँ तो ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, पर जितना है मेरे पास उसके अंदर ही जितना हेल्दी मैं बना सकती हूँ। तो पोहा बनाया है वो हम अभी खाएंगे। सो गाइस ये है पोहा, तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। एक्चुअली हेल्दी खाना तो हम सभी चाहते हैं, पर आपके पास जो भी है मतलब नया शिफ्ट होने के बाद जो भी आपके पास है उसमें से आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है पोहा इंडियन ब्रेकफास्ट में से मतलब काफ़ी हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट है, तो ये हम खा सकते हैं। और स्पेशली घर का बना हुआ चीज़ अगर हेल्दी ना हो तो कैसे चलेगा। बाहर से जब हम खाते हैं तो कभी कभार मतलब सिचुएशन आपको खाने के लिए मजबूर करते हैं, पर घर का खाना हमेशा हेल्दी होना चाहिए। और जब भी मैं कुछ करती हूँ, जब भी मैं बैठती हूँ, खड़ी होती हूँ, जो भी करती हूँ, मेरे पीछे हमेशा मेरा पीए रहता है। हस्बैंड भी रहता है, तुम लोग एक साइड में रहते हो पर मेरे पीछे हमेशा पीए रहता है। वो सोता भी है, खाता भी है, एक काम का कुछ नहीं है। एक्चुअली गाइस एक गुड इम्यूनिटी के लिए ना हमारे डाइट में हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मैं कभी सोचती हूँ कि ये जो हम लोग पूरे दिन में खाते हैं पीते हैं कितने सारी चीज़ें, कभी हम ट्रैक करते हैं कि कितना हमने खाया, कितना पिया, क्या कितना हमें हमारे बॉडी को ज़रूरत है। पर हम एक काम कर सकते हैं, प्रोटीनेक्स इम्यूनो न्यूट्रिएंट जो कैलकुलेटर है वो हमें इस बारे में बहुत हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ हमारा जो हाइट वेट और पूरे दिन में हमने क्या खाया है क्या पिया है वो बस वहाँ पर आपको डालना होगा। कैलकुलेटर हमें ये बताने में हेल्प करेगा कि RDA के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने पूरे दिन में कितना कम खाया, या हमें पूरा एक फुल मील कंप्लीट करने के लिए कितना और एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा। और ये कैलकुलेटर हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि पूरे दिन में हमने कितना विटामिन, कितना प्रोटीन हमने लिए RDA के रिकमेंडेशन के हिसाब से। अगर कम लिया तो कितना लिया और कितना की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा लिया तो कितना लिया, ये सारे डिटेल्स मतलब टोटल इम्यूनो स्कोर हमें मिल जाएगा इस कैलकुलेटर से। और इस कोर्स से हमें ये जानने को मिलेगा कि कहाँ पे हम डाइट में लैक कर रहे हैं और कैसे हम इसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो फुल मील है उसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं। हमें से सबको पता है कि एक कंप्लीट और बैलेंस्ड डाइट हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि प्रोटीनेक्स इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर सिर्फ प्रोटीनेक्स जो यूज़र्स हैं उनके लिए नहीं, अगर आप चाहे मतलब कोई भी चाहे तो इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सके। यहाँ पे आपको 30 डेज का पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी मिल सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आपको ये जानने को भी मिलेगा कि कितना डाइट, कितना प्रोटीन विटामिंस आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक कंप्लीट डाइट। तो ये कैलकुलेटर बहुत पसंद आया और ये फ्री टूल के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और आपके डाइट में कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है कि नहीं इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप प्रोटीनेक्स का जो टेस्टी चॉकलेट उसे भी आप रेगुलर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस इसमें 10 इम्यूनो बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो प्रोटीनेक्स इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उस लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो प्रोटीनेक्स बाय कर सकते हैं आपके लिए।
अगर नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अमेजन से ये प्रोटीनेस टेस्टी चॉकलेट बाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप अगर चाहे तो वहाँ पे जाकर इसे क्लिक कर सकते हैं। तो आज मैंने बहुत सारे किचन के आइटम्स लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली नीचे ही है शॉप, और यहाँ पे एक बंदे को हमने ठीक किया है जो हमारे एजेंट है उनको कह के, क्योंकि उनको पता है कि किस हालत में है और यहाँ पे आके कैसे फंस गए हम, तो उनको बोला गया। तो उसके बाद वो एक बंदे को बोला है, तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है वो जाके हमें ला के दे रहे हैं, तो उन्हें हम पेमेंट करके दे रहे हैं। तो फ्रिज में चिकन मटन और फिश रखने के लिए ये डब्बा, क्योंकि ऑस्कर के लिए मुझे हमेशा फ्रिज में नॉनवेज रखना पड़ता है, और ये सारे कटोरी जैसे कि ये भिंडी, सपोज ये भिंडी वॉश करके यहाँ पे अगर रखूँ तो सारे पानी निकल जाता है, तो ये सारे चीज़ों के लिए, सब्जी धोने के लिए और सब्जी कभी कभार सब्जी रखने के लिए, अभी कोई कटोरिया ये तो नहीं है, क्या बोलते हैं झुड़ी ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये हमने लिया है। अगर ऐसे मैंने बोल के दिया था वो अपने पसंद से लेके आए, और कभी कभार बिल्कुल फ़ोटो खींच के भेज दिया है, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। और ये रहा डब्बा, मैंने कहा था ऐसे 500 ग्राम चीज़ें आ जाएगा, ऐसा कुछ डब्बा लाने के लिए, तो ऐसे दो दो सेट लेके आए, और एक ऑरेंज है, सारी चीज़ें। और आपको तो पता है कितने सारे कप्स, कितने सारे मग्स हैं मेरे पास, तो और कोई फ़ायदा है यहाँ से फिर से कप लाने का, इसलिए ये कप लेके आए, क्योंकि मैंने कहा था कि कागज़ के कप लेके आना भैया, जैसे कि कोई फंक्शन वाले घर में जैसे कि चाय देते ना तो अच्छा भी लगेगा थोड़ा बहुत। और कल हम चाय मंगवाए थे बाहर से स्विगी से, तो वहाँ पे चाय के साथ ये दिया है, तो ये मैंने बहुत प्यार से इसे रख दिया है, ये नया है, तो वो पता नहीं था कि और एक प्लास्टिक के अंदर ये कूलर दे देंगे, तो ऐसे ही कांच के ग्लास में हमने चाय पी थी, तो ये अभी हम यूज करेंगे। ये एक डब्बा लिए, इसके अंदर तीन डब्बे हैं, जैसे कि वहाँ पे स्काई ब्लू कलर का मेरा था ना, इतने आटा एक में राइस बिल्कुल ऐसे, ये और भी दो तीन लेना पड़ेगा। ऐसा एक ट्रे लिया है, इसमें स्कॉच ब्राइट और किचन का जो हैंड वॉश और विम लिक्विड इसमें रखूंगी, इसमें ऐसा कुछ ना कुछ रखूंगी, अभी क्या रखूंगी कुछ ठीक नहीं किया है। और ये होगा बाथरूम के लिए, बाथरूम में इसके अंदर शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, एक हैंड वॉश, ये सब चीज़ें रहेगा, तो चारों तरफ फैल के नहीं रहेगा, कि कोई भी अगर गंदा चीज़ देखती हूँ ना तो मेरा पूरा शरीर ऐसे कांपने लगता है, और मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, मुझे सब कुछ थोड़ा सा टिप टॉप चाहिए, हाई फाई कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा फ्लोर क्लीन हो, सारी चीज़ें अच्छे से रहे, डर्टी चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भी मेन चीज़ दिखा दे आपको, मेन चीज़ यानी कि ये देखिए कोलमी शाक, आज कितने सालों बाद मैं ये साग खाऊंगी क्या बोलूँ मतलब। और ये रहा बॉरबोटी बोलते हैं इसे, इसे तुरई यानी कि झींगा बोलते हैं, इसके अंदर है बैंगन, और बैंगन किस लिए लाई हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, धनिया, भिंडी। एक्चुअली साग का मैं 3-4 ऑप्शन दी थी कि अगर लाल साग मिले तो वो लेके आना, या तो कोलमी शाक मेरा कोई आइडिया नहीं था कि कोलमी शाक मिल जाएगा। ये रहा कोलकाता का हिलशा फिश, फर्स्ट डे आज बाजार हुआ, घर में बाजार आया, ऑस्कर ओपने जाए ना बाबू, ऑस्कर फर्स्ट टाइम इस घर में, नए घर में बाजार हुआ, तो फर्स्ट डे फिश यहाँ पे मुझे रखना पड़ा, ऐसे ही रखना पड़ा। और ये फ्रिज भी यहाँ से दिया गया है, पर गैस स्टोव नहीं है, तो मिथुन किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो गैस स्टोव का डीलर ऐसा कुछ मतलब शॉप है या ऐसा कुछ, तो उनसे हम मंगवा रहे हैं गैस स्टोव और कुछ गैस में करने वाले वो बर्तन। ना वैसे हिलशा इतना फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट है कातला फिश, इतना बड़ा बड़ा कातला। और ये रहा मेरे बेबी के लिए मटन, और इतना खुश है और उससे भी ज़्यादा खुश मैं हूँ, आज 3-4 दिन बाद वो आज मटन खाएगा, मटन बहुत अच्छा। हम लोग तो वैसे भी स्विगी से ला के हम खा रहे हैं, ऑस्कर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बस कर्ड राइस ये दोनों के साथ ये दो दिन तक वो रहा, राइस भी हम स्विगी से मंगवा रहे हैं, कर्ड भी हम स्विगी से मंगवा रहे हैं, हमारा खाना पीना तो बाद में हो सकता है ना। ये छोटा सा बेबी को तो बोलो कितना तकलीफ हो रहा है मटन के बिना, ओ माँ आई एम सॉरी माँ। Thank you.
कोलकाता का फर्स्ट बारिश। बहुत ज्यादा ही आ रहा है कुछ, तब हवा नहीं चल रहा था तो मैंने खोल दिया। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होता है और आप बिना टेंशन के वैसे से बारिश देखते रहो, वो बचपन की याद आ जाती है। बाहर मत जाना, बस यहाँ पे बैठ के बारिश देखना। रूम टूर, ये है मेन गेट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे रूम टूर देने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली मैंने शुरू की थी इस वीडियो के नाम पे, पर इतना टाइम लग जाएगा मुझे पता नहीं था। एक के बाद एक काम आते गए, मैं सोचती गई कि ठीक है थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते, काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस ये है हमारा मेन डोर, और उसके बाद ये जो स्पेस है ये है डाइनिंग स्पेस, और यहाँ पे सीधा है लिविंग एरिया। ये है लिविंग, मतलब लिविंग और डाइनिंग एक ही साथ में है, और बीच में ये जो एक पैसेज है यहाँ पे जाते ही मिल जाएगा और सारे रूम्स। और इसके साथ दिखा दूँ, ये एक टेरेस मिला है हमें इसके साथ, और इस टेरेस को भी बहुत अच्छे से सजाना है, तो वो तो बात की बात है। और ये रहा बालकनी का, सॉरी लिविंग का बालकनी, जो कि काफ़ी बड़ा है, और अभी मैं बाहर नहीं जा पाती, बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सामने का चीज़ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मेरा वॉइस जो है वो इको हो रहा है। अभी चलिए यहाँ से जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में है किचन, जो कि एकदम गंदा पड़ा है। किचन अभी क्लीन हो चुका है, पर ये जो सारे चीज़ें मैं लेके आई थी वो अभी तक कुछ अरेंज नहीं किया, धीरे धीरे कर लूँगी, क्योंकि गैस स्टोव आने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि खाना बनाना चाहिए, तो इसलिए खाना बना लिया, तो और कुछ काम नहीं कर पाई। ये है डिशवॉशर जो कि यहाँ से मिला है, पर इसे अभी तक कोई सेट नहीं कर पाए हम। और ये एक पैसेज है जहाँ पे ऑस्कर ने अपना बाथरूम बना लिया है, पता नहीं क्यों उसे इस एरिया को बाथरूम जैसा लगा। और यहाँ पे ये जो वॉल दिख रहे हैं ना, इस वॉल पे ऑस्कर का एक मैट के ऊपर ऑस्कर का जो खाने का जो ये है पानी, और ये इसका बंदोबस्त करेंगे। यहाँ से भी जो डिस्टेंस होगा और बेडरूम से भी सेम डिस्टेंस होगा, ये वो देखो बैठ गया। और ये है आर्यन का रूम, पर आर्यन का रूम पे भी ऐसे कुछ बिखरे पड़े हैं, वो कंबल वगैरह कुछ है, ये आर्यन बैठ के खेलता रहता है आर्यन और ऑस्कर। ये है और एक वॉशरूम, क्यों आचे ना कि वॉशरूम है, तले की चाबी दी रखे जो खुला अच्छा ना थोड़ा उधर चाबी दी दी बिल्कुल, और चाबी पाठा अच्छा ना चाबी ओ के दी दिए छे ओ की तरह ऐसी लो ना हां देख छिलो वो तो टाना समय है पिछले रेटा चीप है जा तले चाबीटा কোথায় है ওরা চাবি দিয়ে যাচ্ছে চাবি গুছা নিয়ে আসছিলো এখন ওরা আবার আসবে अच्छा गाइस मैं आपको बाद में दिखाती हूं ये एक छोटा सा एक वॉशरूम है ये है मेरा स्टूडियो रूम इसे मैं बनाऊँ स्टूडियो और स्टूडियो का ये है वार्डरोब पर सारे मतलब यहाँ पे टूटे हुए हैं ये
पूरा ये जो है पूरा टूटा हुआ है, तो वही देखने आए थे ताकि ये लोग बनवा के दे सके। ये बंद नहीं होता ऐसे। ऑस्कर बाबा एक सोनाबा मुझ सोनाबा बोले को मैं क्या करूँगी। सबसे पहले ये दुष्टू आ जाता है, ये इस तरफ का जो डोर है ये ठीक है, इस तरफ फिर से टूटा हुआ है। तो ये सब देख के गए, तो बाद में ये शायद रिपेयर कर देंगे। और बालकनी हम लोग को दिखा नहीं पा रहे हैं ना, वो लोग देख के जो, हाँ वो लोग देख के ये किया। और लिविंग से जो साइड दिखता है व्यू, बिल्कुल वही साइड दिखता है यहाँ से भी और आर्यन के बेडरूम से भी। पर हमारा जो मास्टर बेडरूम है उस बेडरूम से फ्रंट का व्यू दिखता है। तो चलिए अभी चलते हैं इस रूम से, और ये सीधा जाके है हमारा रूम। ये सारे वार्डरोब से, और वार्डरोब से आगे बढ़ते ही है हमारा बेडरूम, जो कि काफ़ी अच्छे से बिखरा पड़ा है सारे चीज़ें। तो ये सारे अरेंज करना है। और ये तो बेडरूम, लास्ट दो तीन ब्लॉक से आप मेरा ये बेडरूम को देख रहे हो, तो ये तो बस नया कुछ नहीं है। और हाँ, यहाँ पे है एक बाथरूम जो कि मैट नहीं है, तो एक फटा हुआ एक कुछ कपड़े यहाँ पे दिया गया है, बस यही है। कहाँ पे मैं हूँ, कैसे जगह पे मैं आई हूँ, वही आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा रूम टूर का वीडियो है। पर इसका जो प्रॉपर रूम ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, ये सब मैं दिखाऊंगी, सारे सामान आ जाए उसके बाद तब इस रूम अच्छा या बुरा है, मतलब कैसा है ये तब एक्चुअली आप जज कर सकते हो। क्योंकि ये अभी एम्प्टी रूम है, ये वैसे भी अच्छा नहीं लगने वाला है। खाली हम तो उस तरफ जा भी नहीं रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बात करते तो वॉइस इको होता है। तो यहाँ पे सारे गड़े बैठे हैं, तो अभी सारे फर्नीचर आने थे, उसके बाद पूरा रूम डेकोरेट होगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा, और इस दोनों का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। दुष्टू नंबर वन एंड नंबर टू है। नंबर वन है ऑस्कर एंड टू है ऑस्कर का दादा भाई। बदमाशों का बाप हो तुम्हें कैसे बोल सकती हूँ मैं? बदमाश नंबर थ्री तो नहीं बोल सकती, पर बदमाशों का बाप है। बाय द वे गाइस, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सुबह से शुरू किया था पर बीच बीच में मैं गायब हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि गायब मुझे होना ही पड़ा। घर में अगर खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आज है संडे, और संडे कोई भी काम नहीं करना चाहते, पर हम जो हालत में है तो थैंक गॉड उस इंसान को कि वो आके यहाँ पे हमें देखे गए, फिर खाना बनाए खाए, तो वो सब कुछ। और मैं शूट नहीं की क्योंकि उस टाइम में ये सब अरेंज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और आपके साथ थोड़ा 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 अभी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अभी मैं छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एकदम से लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो देखते हैं सब कुछ सेट हो जाए, उसके बाद करेंगे बहुत सारे व्लॉग, अभी तो पड़ी है सारी ज़िंदगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे आज एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।